भाई ये सामने जो घर देख रहे हैं आप, ये महाराज जी का घर है। वो सामने में मंदिर है ओम बागेश्वराय नमः, जहाँ पे लिखा हुआ है। ये सामने में जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये प्रेतराज का पेड़ कहते हैं। और जिन्हें भी कुछ ऐसा भूत प्रेत का रहता है, वो जब इस पेड़ को छूते हैं ना, तो अपने आप में मतलब झूलने वगैरह लग जाते हैं। यहाँ पे जोत वगैरह जला रहे हैं। और इधर में देख सकते हैं आप, पूरा ये रखा हुआ है नारियल जो आप चढ़ाते हो ना। यहाँ दरबार में जो अर्जी लगवाना चाहते हैं, वो 20 मार्च के बाद ही टोकन मिलेगी उनके लिए। इस तरफ देख रहे होंगे आप, मंदिर है। और ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना अभी, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है, वो इसके अंदर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है लोगों की, देखिए। हाँ जी, तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग जो है भाई बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ बागेश्वर धाम। तो आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा बागेश्वर धाम के बारे में, और मीडिया में भी कई दिनों से जो वहाँ के पुजारी हैं महंत जी धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके बारे में भी भाई 24 घंटे मीडिया पर चलते ही रहता है। तो कहीं ना कहीं आपने ज़रूर से सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध हो रहे हैं पिछले कई दिनों में। तो आज मैंने सोचा क्यों ना वहाँ चल के आपको दिखाया जाए कि किस तरह से वहाँ पहुँचा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जाने के साधन जो है काफ़ी कम है। तो वहाँ के लिए जो है काफ़ी कम ट्रेनें ही जाती हैं, तो इसलिए ये आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह से आप बागेश्वर धाम पहुँच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कैसे आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो अभी मैं हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और आप पीछे में देख सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और मैं बात करूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम जाने के लिए, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन चलती है, जिसका नाम है गीता जयंती एक्सप्रेस। तो ये ट्रेन जो है नई दिल्ली से शाम को चलती है 6:05 पे, और नेक्स्ट डे हमें पहुँचाती है खजुराहो रेलवे स्टेशन, जो कि अपना वहाँ से नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे पहुँचाती है 8:00। तो फिलहाल आ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और अपनी जो ट्रेन है वो आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो चलिए प्लेटफॉर्म पे चल के मिलते हैं और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो भाई अपनी ट्रेन जो है थोड़ी लेट खुल चुकी है, 6:30 हैं, और अभी ट्रेन जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। चलिए इंतजार करते हैं सुबह होने का, और सुबह में फिर सीधे आपके दर्शन करवाएंगे बागेश्वर धाम के। तो बोलो बागेश्वर महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। चलो जर्नी शुरू करते हैं, और जर्नी को पूरा देखिएगा, पूरी डिटेल मिलेगी आपको इसमें। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, और हम पहुंच चुके हैं खजुराहो स्टेशन पे। वैसे इसका टाइम था 8:00 पहुंचाने का, लेकिन क्या होता है कि जिन्हें बागेश्वर धाम जाना था, उन्होंने बीच में जो है चेन पुलिंग कर दी थी, कई बार दो बार कर दी थी, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और 8:30 हम खजुराहो पहुँच चुके हैं। तो अभी यहाँ से स्टेशन से बाहर निकलते हैं, और फिर आपको बता दें कि बागेश्वर धाम यहाँ से कैसे पहुँचा जाएगा। चलिए पहले बाहर चलते हैं, और हमें जो है अंकल जी मिले थे दिल्ली में, तो अंकल जी भी बागेश्वर धाम ही जा रहे थे, और साथ में भैया जी भी हैं। तो हम तीनों अभी साथ में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो काफ़ी बढ़िया सफ़र था, शाम को बैठे थे, रात को सो गए, और सुबह तक पहुंच चुके हैं। और आज मौसम भी काफ़ी बढ़िया है ना भैया, ठंडा मौसम हो चुका है, तो बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। चलते हैं आगे, और फिर आपको बताते हैं कि आपको दर्शन कैसे करने, कैसे नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। तो भाई जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑटो वगैरह टैक्सी वगैरह दिख जाएंगे, और यहाँ से आप खजुराहो भी जा सकते हैं जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, और बागेश्वर धाम भी जा सकते हैं। तो बागेश्वर धाम के लिए यहाँ से जो है पर पर्सन 50 रुपये लेता है, और आपको बागेश्वर धाम तक छोड़ के आएंगे ये ऑटो वाले। तो यहाँ पे ऐसे कोई कमी नहीं है ऑटो वगैरह की, बहुत सारी ऑटो हैं, और जो भी हैं यहाँ से सारी बागेश्वर धाम के लिए ही हैं। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि आपको कैसे कैसे करना है यहाँ पे खजुराहो में पहुँचने के बाद। तो सामने में देख रहे हैं आप, ये खजुराहो रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर जैसे आप खजुराहो रेलवे स्टेशन पर आते हैं, तो अगर आपको सीधा मंदिर पर जाना है, तो मंदिर में बिना नहाए तो आप दर्शन करेंगे नहीं। तो नहाने के लिए क्या है ना कि वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया सिस्टम नहीं है। अगर आपको ऐसे खुले में नहाना है तो वहाँ नहा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़िया है वहाँ पे जो है फैसिलिटी नहीं है आपके पास। तो पीछे में आप देख रहे होंगे एक ये छोटा सा बना हुआ है होटल टाइप का, तो अभी हमने जो है इसी में स्नान वगैरह कर लिया, नहाए हैं। 100 रुपये मतलब हम तीन लोग थे, जो दो भैया लोग मिले थे उनके साथ में गया मैं, और तीन लोग थे हम, 200 रुपये दिए हमने, यहाँ पर नहा लिए, और फिर अब हम जा रहे हैं यहाँ से बागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए। तो आप जब भी आते हैं, अगर आपको थोड़ी फैसिलिटी चाहिए, अच्छा रूम चाहिए नहाने वाने के लिए, तो यहाँ पे आप, एक ही होटल है भाई, मैं आपको पूरा घुमा के दिखा देता हूँ। ये स्टेशन है सामने में, और यहाँ पे आपको गाड़ी वगैरह मिल जाएंगी धाम में जाने के लिए, और यहाँ पे एक ही है रहने का जुगाड़, जिसका नाम है, नाम का है, हाँ कि क्या नाम है इसका, पल्लवी, हाँ पल्लवी होटल एंड रेस्टोरेंट, बस यहाँ पे नहाने का है, और एक ही है यहाँ पे, बाकी यहाँ छोटी मोटी दुकान है खाने की। तो यहाँ पे कुछ इतना ही जुगाड़ है रहने वहने का और नहाने वाने का, तो यहाँ से नहा के आप इसके बाद दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो फिलहाल हम नहा लिए, नहा धोने के बाद हम जा रहे हैं सीधा दर्शन करने के लिए मंदिर में। तो चलिए ऑटो वगैरह ढूंढते हैं, ऑटो में बैठ के चलते हैं। तो अभी हम बैठ चुके हैं ऑटो में, और खजुराहो से बागेश्वर धाम तक ऑटो जो जाता है वो लेते हैं 50 रुपये एक सवारी का। अभी हम बैठ चुके हैं अंकल जी साथ में, अंकल जी जो है दूसरे बार बागेश्वर धाम जा रहे हैं, सही बात, बिल्कुल। और साइड में अम्मा बैठी हैं, ये भी दिल्ली
बार जा रहे हो? कितनी बार जा चुके हो? दो बार हो गए, तीसरी बार। अम्मा का तीसरी बार है ये। और क्या क्या कहना है अम्मा आपका बागेश्वर धाम के बारे में? ये कहना है हाँ कि आप वहाँ जाओगे हाँ, नहा धोके फ्रेश होके हाँ, या 21 परिक्रमा दे। 21 परिक्रमा? 21। अच्छा। और सन्यासी महाराज के नारियल और जोत बत्ती करो। अच्छा। और हनुमान जी के जोत लगाओ। अच्छा है। और बेकार में देके उनके माँ भी मांग के महाराज जो हो सो आप हमारी जो घर में व्यवस्था है या दुर्घटना होती है आप करोगे। बेसिकली अम्मा जो है प्रक्रिया बता देंगे किस तरह से वहाँ पे पूजा करी जाती है। हाँ। वहाँ पे कह रही है अम्मा 21 परिक्रमा लगाना हाँ। पड़ता है, तो इस टाइप का वहाँ पे पूजा करी जाती है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। अम्मा बोलो बागेश्वर धाम की जय। जय 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 बागेश्वर। तो हम अभी चल रहे थे इस वाले हाईवे पे और यहाँ से हमें राइट हो जाना है और यहाँ पे जो है गेट बना हुआ है बागेश्वर धाम जाने के लिए। बागेश्वर धाम की जय। यहाँ पे रोड के दोनों साइड देख सकते हैं झंडा लगा हुआ है, भगवा झंडा। और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी ऐसे छोटे छोटे मिल जाएंगे आपको रास्ते के साइड में। तो भाई ये सामने जो घर देख रहे हैं आप, ये महाराज जी का घर है ऐसे बता रहे भैया। और यहाँ पे कौन रहता है भैया? अभी यहाँ माता जी, महाराज जी रहते हैं क्या? माता जी रहती है, पिताजी, बहन भाई सब रहते हैं। वैसा ही कि जो महाराज जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका घर है ये। लेकिन वो जो है अभी यहाँ पे नहीं रहते, उनके माता पिता रहते हैं और भाई बहन जो भी हैं परिवार वाले लोग वो यहाँ पे रहते हैं। तो गांव बताओ तो काफ़ी छोटा सा गांव है, छतरपुर जिला में पड़ता है ये, मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव है। देखिए ऐसा कुछ गाँव है उनका। तो इतने छोटे से गाँव में से निकल के और आज देश ही नहीं विदेश में भी उनको लोग जानते हैं, तो पहचान बनाना एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात की धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं और बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो। देखिए कैसी कैसी गलियां हैं उनके गांव में, गढ़ा गांव है ये और उसकी गलियां हैं। देखिए आज भी रास्ता नहीं है, मतलब ठीक ठाक देखेंगे तो आप। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम में, ये देख सकते हैं यहाँ पे द्वार है, प्राचीन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ। आधे से पौने घंटा लगा होगा हमें स्टेशन से यहाँ तक पहुँचने में और पहुँच चुके हैं अभी बागेश्वर धाम में। चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं और आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं बताऊँगा। यहाँ पर आप आते तो कैसे रुक सकते हैं, कहाँ पर खा सकते हैं, कहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, कैसे पूजा होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी मैं दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी इन भैया के दुकान पर हमने बैग और जूते वगैरह यहाँ पर खोल दिए हैं और यहाँ से लेंगे प्रसाद। तो भैया जरा प्रसाद का बताना कैसे यहाँ पे कैसे चढ़ता है, पूजा कैसे होती है यहाँ पे? पूजा आप यहाँ से जाएंगे कम्बल लगाएंगे, उसके बाद पंडित जी प्रसाद चढ़ाएंगे। और वो ये वाला जो है नारियल कैसे बांधते हैं? किस पर कम्बल लगा के इसको बांधना पड़ता है। अच्छा, ये लाल काला सफेद का क्या है? ये संतान के लिए अपना। अच्छा, घर में भूत बाधा उसके लिए। अच्छा, पीला शादी के लिए। पीला शादी के लिए। अच्छा, और लाल वाला मनोकामना। अच्छा अच्छा, इसके बाद लहसुन प्याज नहीं खाना है बांधने के बाद। बांधने के बाद नहीं खाना है? कब तक? अभी दर्शन तक आपकी मनोकामना पूरी। अभी दर्शन? अच्छा, जब तक मनोकामना पूरी ना हो तक नहीं खाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये प्रसाद तो वैसे चढ़ा सकते हैं? चढ़ा के घर ले जाते हैं ना, घर में सब लोगों को। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे चाहे प्रसाद में ये चढ़ा सकते हैं अगर आपकी कोई मनोकामना हो। हाँ, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो ये वाला चढ़ा सकते हैं, नारियल बांध सकते हैं लाल पीला, अगर शादी का है तो पीला, मनोकामना कोई है तो लाल, बाकी ऐसा है। और यहाँ पे प्रसाद जो नॉर्मल चढ़ेगा वो ये है। क्या भी यही क्या बोला आपने? कलाकंद है, पेड़ा है और बर्फी है। तो कलाकंद चढ़ा देते हैं हम। कलाकंद कैसे भैया? 80 रुपये पाव भैया, 80 रुपये पाव। तो अभी यहाँ पे प्रसाद ले लिया है और जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर जैसे आपकी कोई मान्यता है तो उसके लिए नारियल बांधना होता है, तो नारियल बांधने के लिए परिक्रमा लगानी होती है। वैसे तो कहते हैं 21 परिक्रमा लगाने के बाद नारियल बांधना है और फिर उसके बाद जो है आपकी जब भी मनोकामना पूर्ण हो फिर आना है आपको। तो नारियल ले लिया मैंने, अभी चलते मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद परिक्रमा करके नारियल बांधते हैं। तो वो सामने में मंदिर है, वो देख रहे होंगे आप, वाइट वाला गेट।
वो मंदिर का द्वार है। और यहाँ पे देख सकते हैं दुकानें लगी हुई हैं दोनों तरफ, जैसे हर तीर्थ स्थल पे रहती है वैसे ही, और लोगों की भीड़ भी है। अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार को काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लाखों लोग आते हैं यहाँ पे। कितना? 4 से 5 लाख के करीब यहाँ पे ट्यूजडे और सैटरडे को, ट्यूजडे और सैटरडे को भीड़ रहती है ज़्यादा, लेकिन आज भी ठीक है कि खुले में दर्शन हो जाएंगे हमारे यहाँ। तो अगर आप ट्यूसडे को आते हैं तो आपको भीड़ में होके जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बना रखा है जिगजैग वाला सिस्टम। मंगलवार को जो मैंने बताया आपको, जब भीड़ हो जाती है तो इसमें घुमा घुमा के फिर उसके बाद अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। अभी देख सकते हैं आज उतनी भीड़ नहीं है, तो सीधा मंदिर में एंट्री हो रही है यहाँ गेट से। बाकी अगर मंगलवार शनिवार को आएंगे तो इसमें आपको घूम घूम के फिर आएंगे यहाँ पे, फिर अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ से अंदर मंदिर का द्वार है और मंदिर उस तरफ में है, तो चलिए मंदिर में दर्शन करके आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोगों ने नारियल बांध रखी है अपनी मन्नतें मांग रखी है यहाँ पे। तो अभी हम प्रवेश कर चुके हैं प्रवेश द्वार से मंदिर की तरफ, और अभी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में 11.25 लाख वृक्षारोपण का महासंकल्प और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और आज जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी भी मैंने सुना है अभी यहीं पे पीछे में एक बना हुआ है, वहाँ पे हैं अंदर में, बाकी वो भी दिखाऊँगा मैं आपको। पहले चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। वो सामने में मंदिर है ओम बागेश्वराय नमः, जहाँ पे लिखा हुआ है यही मंदिर है, मुख्य मंदिर जो है यही मंदिर है सामने में जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पे सभी लोग बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप मंदिर के चारों तरफ देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, मतलब एक काफ़ी छोटे से गांव में आके है ये मंदिर, और आसपास देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है चारों तरफ। और इधर में मंदिर है, यहाँ पे जैसे किसी को भूत प्रेत का कुछ छाया रहता है, हाँ इससे भी छुटकारा मिल जाता है। हाँ, यहाँ छुटकारा मिलता है बाबा के धाम पे आने से। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, कि नारियल लेना पड़ेगा, काले कपड़े में नारियल बांधना पड़ेगा और अर्जी लगानी पड़ेगी, फिर बाबा अपने आप जो है। ये सामने में जो आप पेड़ देख रहे हैं ये प्रेतराज का पेड़ कहते हैं, और जिन्हें भी कुछ ऐसा भूत प्रेत का रहता है वो जब इस पेड़ को छूते हैं ना तो अपने आप में मतलब झूलने वगैरह लग जाते हैं। और कुछ देख सकते हैं आप वो जो पेड़ के नीचे बैठे हैं वो कैसे कर रहे हैं, मतलब जिनके ऊपर भी कुछ वैसा होता है ऊपरी। हाँ ऊपरी हवा, हाँ ऊपरी हवा नेचुरली, हाँ होने से दूर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ठीक हो जाते हैं वो लोग यहाँ पे, वो लोग जिनके अंदर ऊपरी होते हैं बाहर निकल आते हैं। अच्छा अच्छा, दर्शन हो गए बहुत ही अच्छे से। पीछे में देख रहे हैं आप वो है बागेश्वर धाम जी का मंदिर, यहाँ पे बालाजी का मंदिर से दर्शन करके ठीक नीचे आया हूँ अभी मैं। और यहाँ पे जो है लोग अपना जोत वगैरह जलाते हैं, जो भी लेते हैं यहाँ पे जोत वगैरह जला रहे हैं। और इधर में देख सकते हैं आप पूरा ये रखा हुआ है नारियल, जो आप चढ़ाते हो ना यहाँ मन्नतें मांगते हो वो सब नारियल यहाँ रखा हुआ है। और वहाँ देख सकते हैं शेड टाइप का बना हुआ है, जहाँ पे लोग जो हैं जो भी आते हैं श्रद्धालु वो वहाँ पे आराम वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर दिया हुआ है, अगर आपको अर्जी लगवानी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है नए टोकन की पर्ची की जो जानकारी है उसके लिए 20 मार्च के बाद कार्यालय के इस नंबर पे संपर्क कर ले। तो लोग जो हैं दरबार में जो अर्जी लगवाना चाहते हैं वो 20 मार्च के बाद ही टोकन मिलेगी उनके लिए। तो मैं बता दूँ, अगर आपको जैसे बागेश्वर धाम में जो महाराज है यहाँ के धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो जो है आपका पर्चा वर्चा जो बनाते हैं ना उसका वो टोकन लेना पड़ता है उसके लिए। तो टोकन जो 20 मार्च तक अभी बंद है, 20 मार्च के बाद आपको उस नंबर पर डायल कर लीजिएगा, वहाँ से आपको टोकन ले सकते हैं, फिर उसके बाद आपकी अर्जी लगेगी। और बाकी अभी हम परिक्रमा कर रहे थे, तो मंदिर के चारों तरफ जो है परिक्रमा मार्ग बनाया हुआ है, उसमें कहते हैं कि 21 परिक्रमा करनी होती है, लेकिन वो आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा, आपको जितने करने हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं ना अंकल जी। 21 हाँ, जैसे आपकी श्रद्धा है, आपको जितना करना है सच्चे मन से उतना करिए, सब मनोकामना पूरी करेंगे बाबा, है ना। रहने का भी है यहाँ पे आपके पास? हमारे पास रहने का व्यवस्था तो नहीं है। अच्छा नहीं है, वो जो ऐसे पड़ा हुआ है वो ऐसे पड़ा हुआ, तो आते हैं लोग अपना बैठते हैं सब सामान रखते हैं चले। अच्छा, खाने पीने का है आपके पास? हाँ ठीक।
तो यहाँ पे मतलब खाने पीने का मंदिर के पास में उतना अच्छा नहीं है कुछ भी, तो ऐसी आप देख रहे हैं दुकानें छोटी छोटी हैं, तो यहाँ पे आप आके थोड़े बहुत पकोड़े वगैरह मिल जाए वो खा सकते हैं बस। इस तरफ देख रहे होंगे आप मंदिर है, और ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना अभी, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो इसके अंदर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है लोगों की। देखिए गेट जो है सारे बंद है चारों तरफ के, और लोग जो है बाहर में देखिए खड़े हैं, बहुत देर से लोग सारे खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा जो है अंदर में है। रहने का और खाने पीने का अगर मैं बताऊं तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं है कुछ भी, मतलब आपको ऐसे ढाबा मिलेंगे। क्या कह रहे हैं अंकल जी? फैंसी मतलब रहने का होटल टाइप नहीं है। हाँ तो आपको ऐसे मिलेगा, और अगर आपको रुकना है ना तो 100 रुपये का एक गद्दा सा दे देंगे, उस पर आपको रुकना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर आप रुकने जा रहे हैं तो आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा, और नहीं तो अगर आप होटल वगैरह चाह रहे हैं तो यहाँ से दूर जाना पड़ेगा थोड़ा आपको, खजुराहो में छतरपुर। हाँ खजुराहो या फिर छतरपुर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको अच्छे होटल वगैरह जो है मिल जाएंगे। तो ये सिस्टम है अभी यहाँ का, बाकी आने वाले दिनों में जैसे जैसे डेवलपमेंट इस जगह की हो रही है धीरे धीरे सब कुछ बनने लगेगा, धर्मशाला वगैरह, अभी तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है अभी, बहुत मतलब वैसे ही कि आप आइए और दर्शन करके फिर एक दिन में वापस चले जाइए, यहाँ पे ना रहने का वैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो अभी अपने दर्शन पूरे हो गए हैं बागेश्वर धाम के, और मैंने आपको भी बता दिया कि किस तरह से आप भी आ सकते हैं दिल्ली से बागेश्वर धाम, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, बस जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर साधन जो है आने के, और यहाँ पर फैसिलिटी भी जो है अभी बहुत ही कम है, लिमिटेड है, तो वो देख के आना। बाकी वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्यों भाई क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? कुछ नहीं, आपके लिए ले रहा था यार, मैं अपनी ले रहा था, अपनी ले रहा था, मैं बात कर रहा हूँ। चलो तो पता नहीं क्या कह रहे थे भाई। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।